आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर महाराष्ट्र के धुलिया शहर से। धुलिया शहर में समाजवादी पार्टी के नगर सेवक अमीन पटेल ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण विफल हुई आत्मदाह की कोशिश। आखिर क्या है मामला जो नगर सेवक अमीन पटेल ने की आत्मदाह की कोशिश, आइए जानते हैं पूरा मामला। देश में, पूरी दुनिया में 7 महीने से कोविड शुरू है, मगर हमारे हॉस्पिटल ने, हीरे मेडिकल कॉलेज ने, कोविड के अंदर सभी डॉक्टरों ने और शासन ने बहुत अच्छा काम किया, मगर कोविड को साइड में हटाते हुए जो अदर इलाज है, जिसमें डिलीवरी हो गया, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, ऐसे लोगों के लिए इलाज करने के लिए पूरे धुलिया जिले के अंदर एक भी नॉन कोविड हॉस्पिटल दिया नहीं गया। मैं कंटिन्यू समाजवादी पार्टी 3.5-4 महीने से लड़ रही है कि यहाँ पर जो पेशेंट आता है उसको वापस करा जाता है, कि नॉन कोविड हॉस्पिटल दूसरा दिया गया है, और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल दिया गया है वहाँ पर सिर्फ योजना का काम होता है, और हमारे शहर की महिला जब वहाँ जाती है तो पहले स्टार्ट में 3,000 से 4,000 रुपये उसको प्रसूति के लिए मेडिसिन मंगाया जाता है। अगर किसी के पास में राशन कार्ड नहीं है तो उसका योजना में इलाज नहीं होगा। और धुलिया जिला एक ऐसा जिला है, यहाँ पर जलगांव से, यहाँ पर नासिक जिले से, यहाँ पर नंदुरबार जिले से ऐसे सारे पेशेंट आते हैं, और यहाँ पर नॉन कोविड शुरू होना चाहिए, और आज अल्लाह का और भगवान का एहसान है कि हमारे शहर के अंदर कोविड के अंदर कमतरता आ गई है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, हमने आरोग्य मंत्री को पत्र दिया, हमने डीएम साहब को पत्र दिया, हमने कलेक्टर साहब को पत्र दिया कि नॉन कोविड शुरू होना चाहिए, हमारी मोहल्ले महिलाओं के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, यहाँ पर सीजर नहीं हो रहे, यहाँ पेशेंट आता है यहाँ से वापस करा जाता है, मगर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमको लास्ट में जो है आत्मदहन का इशारा देना पड़ा। 8 दिन से हम इनका वेट कर रहे हैं, मगर कोई पत्र लेखी व्यवहार कुछ भी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हमारी धुलिया शहर की महिलाओं के ऊपर अन्याय करने का काम ये शासन कर रही है, और आगे भी अगर नॉन कोविड शुरू नहीं होता है तो मैंने जो है अभी इसके बाद में पूरे धुलिया शहर की जनता के अंदर जाकर कॉर्नर मीटिंग कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जो है लोगों को यहाँ पर लाकर हीरे मेडिकल कॉलेज में बैठा देंगे, और नहीं हुआ तो बिल्कुल ये काम होगा पूरे शहर की पब्लिक को लाकर बैठा।